चलिए आज बनाते बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी नारियल का लड्डू, जिसे बनाना काफ़ी आसान है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और यह बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है। तो चलिए फटाफट से इस आसान सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 नारियल ले लिए हैं और सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें ना होल बना देंगे। पहले से ही रहता है, बस हमें थोड़ा सा कोई भी नुकीली चीज़ से इसमें होल बना देना है और हम इसका पानी निकाल लेंगे। आप चाहो तो इसे फोड़ कर भी पानी निकाल सकते हो अगर आप होल नहीं बनाना चाहते हो तो। और इसके बाद हम इसके पानी को पी जाएंगे। और अब हम क्या करेंगे, नारियल को जो ऊपर कवर रहता है ना उसको भी अलग कर देंगे। और इसे मैंने यहाँ पर कुछ इस तरीके से तोड़ दिया है और अब हम इसके छिलके को हटा देंगे। तो इसी तरीके से मैंने सारे नारियल के छिलके को हटा दिया है और अब हम इसे ग्राइंड करने वाले हैं। तो इसके लिए मैंने इसे छोटे छोटे पीसेस में कट करके अच्छी तरीके से धोकर मिक्सी जार में डाल दिया है। छोटे छोटे पीसेस में कट करने से ना बहुत ही ईजिली ग्राइंड हो जाएगा और इसे अच्छी तरीके से पीस लेंगे। ये देखिए एकदम बारीक पीस गया है, तो हम इसे अलग रख देते हैं। अब हम एक पैन में डालेंगे 2 टेबल स्पून के करीब घी और काजू को कुछ इस तरीके से कट करके डालेंगे और इसे थोड़े देर तक सॉटे कर लेंगे। और जब यह हल्का सा सॉटे हो जाएगा तो हम इसमें ऐड करेंगे किशमिश और इसे भी थोड़े देर तक भून लेंगे और इसे अलग रख देंगे एक कटोरी में डालकर। अब हम सेम पैन में डालेंगे हमने जो नारियल को ग्राइंड करके रखा था वो, और इसे भी 1 से 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे सॉटे करेंगे। हमें इसका कलर चेंज नहीं करना है, बस हल्का सा सॉटे करना है। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे गुड़ का पाउडर। आप जो नॉर्मल मीठा होता है ना यानी गुड़ होता है, आप वो भी ले सकते हो ग्रेट करके, और इन सभी चीज़ों को मिक्स कर देंगे तब तक जब तक गुड़ मेल्ट नहीं हो जाता। और जब गुड़ मेल्ट हो जाएगा तो हम इसमें ऐड करेंगे इलायची पाउडर 1/2 टेबल स्पून के करीब, और हमने जो ड्राई फ्रूट्स भून के रखा था ना वो भी डाल देंगे। और फिर से इन सभी चीज़ों को मिक्स करके एक बोल में डाल देंगे और अपने मनपसंद की बड़ी या फिर छोटी लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। तो बस अब ये तैयार है, तो चलो बाय।